बनीषा जी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एट बैक्टन एटनसन दिकिन, कंपनी में अभी चंडीगढ़ में हैं और मार्च ट्वेंटी टू से यूएच वी के साथ आपका परिचय हुआ है और अभी रिसेंटली आपने यूएच वी थ्री भी अटेंड किया और उसके बाद न्यूज लेटर और वेब डिजाइनिंग में आप अपनी भागीदारी दे रहे हैं और आपने ऑब्जर्वर के रोल की भूमिका भी निभाई है दो बार तो अभी आ, स्वागत है बनीषा जी आपका ओवर टू यू जी थैंक यू दीदी Uh, जैसे दीदी ने बताया कि आ, प्रोफेशनली uh, uh, मैं डेवलपर हूँ और uh, जो हमारी ये सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी है आ, वो 2013-14 में स्टार्ट हुई थी और और मार्च में मैंने uh, YouTube से सारा फर्स्ट वाला जो कोर्स है वो किया था और सेकेंड वाला मैंने अगस्त 2022 में फ़ेस टू फेस एफ में किया था थर्ड वाला मॉर्निंग सेशन में किया था एक बार जो लास्ट टाइम हुआ था और एक अभी जो फेस टू फेस अभी हुआ था वो रिसेंटली अभी किया है तो फर्स्ट uh, टू में मैंने ये डिफरेंस देखा कि तब मेरा जो ध्यान था वो सारा कंटेंट को एक्सप्लोर करने में था uh, लेकिन जब मैंने ये मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया उसके बाद uh, थोड़ा शिफ्ट जो है वो कंटेंट से और इन्फॉर्मेशन को uh, समझने से थोड़ा अपने ऊपर गया और थर्ड वाला जो अभी रिसेंटली अटेंड किया उससे मेरा ध्यान ये है कि कंटेंट जो है उसको समझने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये एक्सरसाइजेज ही हैं इनके थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं उसको समझने की क्रिया तक क्योंकि वो सारा एक आउटकम है ये सारी अवेयरनेस के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करने का तो अगर मैं अभ्यास एक और दो की बात करूं तो स्टेप वाइज अगर मैं देखूं तो फर्स्ट स्टेप जो है कि हमने अपनी कल्पनाशीलता को देखना है बिना प्रतिक्रिया किए इसमें अभी मेरे को लगता है कि बिना प्रतिक्रिया किए अभी बहुत कम परसेंटेज है मे बी लेस देन फाइव इसमें भी थ्री फेजेस में uh, मैं इसको देख पाती हूँ स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी uh, देख नहीं पाती थी uh, मेरे को मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैंक आउट ब्लैंकआउट ब्लैंक स्क्रीन टाइप दिखता था बिकॉज मेरे मन में ये मान्यता थी कि मैं जब तक कल्पनाशीलता को इनिशिएट नहीं करूंगी कोई विचार क्रिएट नहीं करूंगी तब तक मैं उसको तब तक वो चलेगी नहीं तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई नहीं देता था तो सेकेंड फेज में फिर मैंने इसको फिर मैंने ये जैसे मॉर्निंग सेशन में सुना कि ये भी एक वो मान्यता हो सकती है कि आ, मैंने उसको इनिशिएट करना है तो मैंने उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया तो सेकेंड फेज में आ, मैंने आ, अलाउ किया कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं कल्पनाशीलता में उसको मैं उस चेन ऑफ थॉट को देखूं तो ऐसे करते करते मैंने उस स्टेज पे पहुंची और थर्ड में थर्ड फेज में क्या है कि बहुत कम ऐसे इंस्टांसिस होते हैं जिसमें मैं देख पाती हूँ कल्पनाशीलता को देखते हुए मैं आ, मतलब कोई भाव आ, या प्रतिक्रिया नहीं होती वो बहुत कम दो या तीन इंस्टांस अभी तक ऐसे हुए हैं जिसमें प्रतिक्रिया नहीं होती और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत न्यूट्रल काइंड ऑफ स्टेज है जिसमें मेरे को भाव दिख नहीं रहा हो सकता है वो बहुत सूक्ष्म हो इसलिए मैं अभी उसको देख नहीं पा रही स्टेप टू में जैसे हमें देखना होता है कि स्वयं में जो भाव कल्पनाशीलता में चल रहे हैं अः उसको वो कौन से टाइप के भाव हैं वो मतलब सहज स्वीकृति वाले हैं मानवीय स्वभाव वाले हैं या नहीं जो भी भाव है उसको देखना तो ये अभी मैं जो भी रूटीन टास्क होते हैं उसके बेसिस पे घटनाओं के बेसिस पे अभी देख पाती हूँ Uh, जिसमें कि uh, क्या वो स्वभाव के अनुरूप है या नहीं सहज स्वीकृति के अनुरूप है या नहीं वो एक्सप्रेशन के बेसिस पे मैं उसको ट्रेस करती हूँ जैसे कि एक्सप्रेशन में क्या भाव आ रहा है वो मोस्टली uh, उसमें ट्रेस कर पाती हूँ अभी और थर्ड स्टेप में कि इन भावों के साथ अः uh, सहज हम संगीत में है आराम में है या नहीं तो इसमें uh, मैं ये देख पाती हूँ कि आराम की स्थिति जो है वो सहज भाव जब होते हैं उस लेवल पे हमें महसूस होती है जब तो शिफ्ट हो जाती है बट उसकी अवेयरनेस अभी नहीं है कि वो कैसे स्विच हो रही है वो अवेयरनेस जो है वो अभी कम है हर क्षण की अवेयरनेस अभी नहीं है तो फोर्थ स्टेप में जब हमने देखना होता है कि हर क्षण जो भाव चल रहे हैं उसका निर्णय कौन कर रहा है परिस्थिति कर रही है व्यक्ति कर रहा है या मैं कर रही हूं तो इसको मैंने देखा है कि इसमें ट्रांजिशन हुआ है परिस्थिति व्यक्ति से मैं की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है ग्रेजुअली जिसमें कि निर्णय तो मैं ही लेती हूं यह मैं देख सकती हूं क्योंकि ग्रास लेवल पे भी मैं बहुत हर एक चीज को करने के लिए थोड़ा टाइम लगाती हूँ निर्णय लेने के लिए तो मैं ये देख सकती हूँ कि निर्णय मैं ले रही हूँ और उसके बेसिस पे मैं ही उसको एक्सप्रेशन में और बिहेवियर में ला रही हूँ परिस्थिति और व्यक्ति जो है वो ट्रिगर का, का काम कर सकते हैं लेकिन जो निर्णय लेने का काम है वो मैं ही करती हूँ इसमें मैंने ये देखा कि जैसे कोई हमें आर एंड डी का काम करना होता है कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि मैं फटाफट से इसके क्या क्या सोलूशन मुझे ऐसे लगता है मेरी तो तो kind of जो जो भाव चल रहे होते हैं उसको ऐसे रीडायरेक्ट करते रहते हैं तो करती तो मैं हूँ बट उसके ट्रिगर पॉइंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं और फिफ्थ पॉइंट में निर्णय लेने का आधार मैं किस बेसिस पे करती हूँ वो भी आ, अभी आ, मैं उसको देखने की अभ्यास कर रही हूँ के बेसिस पे करती हूँ इसको मैं अभी देखने का अभ्यास कर रही हूँ क्योंकि आ, सही समझ के लिए अगर होगा तो वो आराम में होगा लेकिन अगर मान्यता है वो मान्यता भी अभी मेरे को मान्यता और संस्कार और जो हम आ, बोलते हैं उसमें अभी इतना क्लियर नहीं है तो मैं उसको देखने के लिए अभी प्रयास कर रही हूँ जो भी घटनाएं होती है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अपने में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मान्यताएं हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं शॉर्ट टर्म में अगर हैं तो वो आ, हम उसको ईजिली देख पाते हैं हैबिट्स में हम देख पाते हैं अगर लॉन्ग टर्म है तो वो संस्कार लेवल तक जा चुकी हैं तो इसीलिए वो इतना अभी दिख नहीं पाती इजिली इसको भी मैं वही घटनाओं के आधार पर कि जैसे मैं ये मानती थी कि मैं जो हूँ वो गुड रीडर नहीं हूँ मतलब जैसे हमारे ऑफिस में बुक रीडिंग सेशन होते रहते हैं तो सब लोग कहेंगे कि ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ सकती इतनी कंसिस्टेंटली कोई भी खास करके मोटी बुक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती पर मैंने जब ये मान्यता को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसे इसके बेस में भी मान्यता मान्यताएं दिखी कि हो सकता है कि मैं ये ऐसा इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और के थॉट्स को पढ़ूंगी तो वो मेरा जो ऑथेंटिक थॉट प्रोसेस है उसको उसको वो इम्पैक्ट कर सकता है जो मैं अपने अपने अकॉर्डिंग जो एक्सप्लोरेशन कर रही हूँ या जो भी समझ रही हूँ उसको शायद वो इम्पेक्ट कर सकता है ऐसा लगता है दूसरा ये भी लगता है कि हो सकता है कि जिस भाव से उस व्यक्ति ने उसको लिखा हो उसको मैं नहीं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी समझ का लेवल उसके बराबर नहीं है और तीसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर जैसे ये हमारा डिस्कशन वाला जो सेशन डिस्कशन टाइप जो इंटरेक्शन होती है उसमें ज्यादा एक्सप्लोरेशन होती है क्योंकि जो भी व्यक्ति हो उसको एक्सप्रेस कर रहा है वो डायरेक्टली उस भाव के साथ मैं उसको समझ सकती हूँ सभी सेंसेस के साथ उसके सुना जो वो बोलना चाहता है उसको शब्द को किस अर्थ में बोल रहा है तो ये मैं उसमें बेटर समझ सकती हूँ इसलिए मेरे को रीडिंग वाला मेरा लो प्रायोरिटी पे है और सुनने वाला मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसी तरीके से अब आदत को भी मैंने आदतों के बेसिस पे भी मान्यता देख रही हूँ कि जैसे मेरे को आदत है सेल्फ मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की अपनी चीजों को एक बहुत पर्टिकुलर चीजों को और उसमें अगर कोई उस चीज को थोड़ा भी हिला देता है इधर से उधर थोड़ा नहीं मतलब ज्यादा हिला देता है तो उसमें थोड़ा इरिटेशन लेवल होता है उसमें भी ये डिफरेंस है कि अगर कोई अननोन मतलब जो मुझे नहीं जानता कि मैं ऐसे रहती हूँ अगर वो करता है तो थोड़ा नरम दल वाला सिचुएशन रहता है कि चलो कोई बात नहीं लेकिन अगर कहीं कोई घर पे मेरे भाई ने कर दिया तो वो नरम दल से थोड़ा गरम दल में चला चला जाता है क्योंकि आ, उसमें ऐसे कंफर्मेशन बायस आ जाती है कि इसने ही इसने किया होगा और एट्टी परसेंट उसने किया ही होता है तो इसलिए उसमें थोड़ा गर्म दल हो जाता है बट मैं उसको अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं उसकी इंटेंशन नहीं थी बट चलो कॉम्पिटेंसी इतनी है उसकी तो हमारे में ऐसे चलता रहता है थोड़ा भाई बहन वाले में तो संस्कार लेवल पे मैं देखती हूँ कि संस्कार अभी मेरे को इतने क्लियरली uh, नहीं होते स्पष्ट क्योंकि अभी मैं उसको मान्यता और हैबिट के बेसिस पे ही देख पा रही हूँ तो संस्कार लेवल पे अभी मैं आ, और सूक्ष्म तरीके से इसको देखने की अभ्यास कर रही हूँ तो ये मेरे को स्पष्ट है कि उसमें जो है वो सह अस्तित्व और संबंध और व्यवस्था के भाव में ही है तो इसकी स्पष्टता है बट हम अपने वही संस्कारों और मान्यताओं के बेसिस पे उसको अः प्रायोरिटी नहीं दे पाते क्योंकि वो ऐसे डीप रूटेड है और सेवंथ स्टेप में संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व को संपूर्णता के आ, समझने के आधार में हमारे आ, रूप, जो स्पेस है वो बेस में है ये इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अभी मेरे आ, मतलब इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मैं देख पाती हूँ जैसे कि एटम के एटम के स्ट्रक्चर में बट आ, कैसे वो और डे टू डे लाइफ में हमारे बिहेवियर में कैसे काम कर रहा है वो अभी इतनी स्पष्टता बनी नहीं है आ, अभ्यास दो की बात करें कि आ, शरीर और चैतन्य के बीच में अपना देखना आदान प्रदान को देखना तो उसमें जो स्टेप वन है कि शरीर और मैं अलग अलग हूँ ये तो मैं आ, मतलब देख पाती हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में तो हम ये सुनते ही रहते हैं बचपन से हम सुन ही रहे हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं बट uh, इसको uh, देखने के लिए जो उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पे और वो कितनी कंटिन्यूटी में हो रही है वो इंडिपेंडेंट हैं इंटरडिपेंडेंट हैं या इंटर रिलेटेड है इस प्रोसेस uh, इस के थ्रू मैं वो देख पा रही हूँ सेकेंड स्टेप में मैं और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो ये भी मैं देख पाती हूँ कि जो शरीर में को आ, मतलब सेंसेशन भेज रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ बट वो इंस्ट्रक्शन दे कैसे रही हूँ वो मुझे अभी इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा आ, शायद उसमें स्पेस का ही रोल है आ, बेस में स्पेस है तो स्पेस के थ्रू ही दे रही हूँ बट वो मेरे को अभी इतनी स्पष्टता नहीं है उसमें स्टेप uh, में शरीर को क्या संकेत देना है और किस संवेदना को पढ़ना है और उसका निर्णय मैं लेती हूँ uh, uh, जैसे कि अगर मेरे को ऐसे शरीर जो है वो सेंसेशन दे रहा है कि पेट में कुछ ऐसे सेंसेशन हो रही है और मैं उसको पढ़ रही हूँ और मैंने उसको अर्थ दिया कि ये मेरे को भूख शायद मेरे को भूख लग रही है तो मुझे भोजन करना चाहिए ऐसे मैं उसको अर्थ देके उसको रिजोल्व करती हूँ उसमें भी मैं देखती हूँ कि निर्णय जो है वो मैं प्रायोरिटी के बेसिस पे लेती हूँ अगर मेरे को कोई काम दूसरा कोई काम इम्पोर्टेंट लगता है जैसे कोई मेरे को ऑफिस का काम प्रायोरिटी पे करना है तो मैं उसको सेकंड प्रायोरिटी पे कर देती हूँ भोजन को या कोई ऐसा कोई कार्य आ जाता है तो मैं आ, उसको निर्णय लेती हूँ कि पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये काम कंप्लीट करना है और सेकंड प्रायोरिटी पे जो है वो हमें आ, अपना ये जो भी सेंसेशन है उसको सेटिस्फाई करना और फोर्थ स्टेप में मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ मतलब मैं शरीर से अलग हूँ इसको भी मैं आ, मतलब देख पाती हूँ क्योंकि आ, मतलब इस आ, इस आ, इससे कंक्लूड कर पाती हूँ कि अगर संवेदनाओं में मैं होती तो मैं चूज ना कर पाती कि मुझे किसको पढ़ना है या किसको नहीं पढ़ना और मैं उसको इग्नोर भी ना कर पाती मतलब उसकी तरफ ध्यान ना दू ऐसा डिसीजन ना ले पाती तो इट मींस कि मैं जो हूँ वो संवेदना से अलग ही हूँ और स्टेप फाइव में बाह्य परिस्थिति का जो प्रभाव शरीर तक पहुंचता है स्लीपिंग पैटर्न तो से जैसे हम सोते हैं और जो भी सपने देखते हैं उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि ये वाला स्टेप मेरे को थोड़ा ऐसे दिखा कि जैसे मैं रात को अगर हम मैं निर्णय ले रही हूँ कि आज मैंने पूरा दिन रेस्ट नहीं किया और मुझे आज सोना ही है कुछ कल्पनाशीलता नहीं चलानी तो बाहर कुछ भी आवाज आए कुछ भी हो तो मैं सो सकती हूँ लेकिन अगर मेरी कोई कल्पनाशीलता चल रही है मैंने कुछ कल्पनाशीलता में अपने रूटीन का जो भी टास्क है कुछ भी है वो मैं कल्पनाशीलता में उसके बारे में सोच रही हूँ तो फिर मेरे को नींद आने में थोड़ा टाइम लगता है ये मैंने देखा निर्णय मैं ही लेती हूँ नींद सोने का बट उसमें भी ये डिफरेंस आ जाता है जो भी मेरी कल्पनाशीलता में चलता है और उसके बाद मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जैसे जो साउंड स्लीप है वो एक या दो बजे तक की आती है उसके बाद जो है वो सपने आते हैं सपनों में भी जो भी हम हमारी जो भी मैं मतलब देखती हूँ डे टू डे लाइफ में या सुनती हूँ या जिसके बारे में कुछ याद करती हूँ तो वो ऐसे रैंडम कुछ भी इधर उधर से जुड़ के आते हैं कल्पनाशीलता में चलते हैं सपने में और उसमें भी बॉडी मुझे सेंसेशन भेज रही होती है सपने में पर मैं निर्णय पूर्वक उसकी तरफ ध्यान नहीं देती जैसे कि कुछ आवाज आई बाहर से तो मुझे ऐसा लगा मैंने एक दो बार ऐसे देखा कि आवाज आई है पर मैं वो सपने में उसको इंटरप्रेट कर रही हूँ कल्पनाशीलता में कि ये आवाज किस चीज की हो सकती है या बॉडी ने सेंसेशन भेजी कि वॉशरूम जाना है बट मैंने निर्णय लिया कि नहीं मेरे को तो सपने में ही कंटिन्यू करना है इमेजिनेशन को तो थोड़ा उसको डिले कर देते हैं बट फिर एंड uh, में हम निर्णय लेते हैं कि नहीं अभी उठना है हमें और वॉशरूम जाना है और इसमें भी अगर हमें कहीं जाना होता है सुबह सपोज कहीं बाहर जाना है जल्दी या जैसे कुछ भी काम सुबह करना है तो उसमें भी ये डिसीजन लेते हैं कि अभी नींद uh, को हम नींद कंप्लीट हो गई है तो हम उठने का निर्णय ले लेते हैं तो इस इस बेसिस पे मैंने ये फिफ्थ स्टेप को देखा है कि जो भी बाह्य परिस्थिति होती है और उसका जो भी शरीर पे प्रभाव होता है उसका उसको मैं ही निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ और सिक्स स्टेप में जो बाह्य परिस्थिति का शरीर पर प्रभाव होता है उसको मैं प्रतिक्रिया पूर्वक देख रही हूँ या जिम्मेदारी पूर्वक इसमें भी आ, सेम ही है जैसे कि अगर बिहेवियर बिहेवियर से उसमें जैसे हमने फोर टाइप्स ऑफ सिचुएशंस के बेसिस पे देखा था कि दूसरों का व्यवहार इवेंट्स आउटसाइड बॉडी इनसाइड बॉडी ये सब इसके बेसिस पे जो हमने देखा था तो उसके बेसिस पे मैं यही देख पाती हूँ कि जो दूसरे का व्यवहार है उसमें से वही शिफ्ट हुआ है ट्रांजिशन हुआ है पहले प्रतिक्रिया जो थी उसमें मूल्यांकन वाला जो स्टेप था वो मिसिंग था अभी क्या हो रहा है कि उसमें मूल्यांकन होता है बट किसी सिचुएशन में क्या होता है वो मूल्यांकन जो है वो आफ्टर थॉट्स में होता है और किसी सिचुएशन में इन इन प्रोसेस में जो इवेंट के इन बिटवीन वो आ, उसको देख पाते हैं मूल्यांकन कर पाते हैं कि दूसरों के व्यवहार के बेसिस पे मैं जो है वो एक्सप्रेस कर रही हूँ और शरीर के बाहर की जो घटना है जैसे कि सपोज ह्यूमिडिटी है या आ, इसमें हमें पसीना आ रहा है जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसके बेसिस पे जो भी शरीर में सेंसेशंस होती हैं उसको भी मैं ये देख पाती हूँ कि अगर मेरी कल्पनाशीलता में जो भी सब्जेक्ट चल रहा है अगर वो उससे मैं आराम में हूँ तो मैं उसको उसको एक नेचुरल प्रोसेस में देखती हूँ कि चल कि बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से ये शरीर जो है इस प्रकार से निर्वाह कर रहा है पसीना आ रहा है जो भी प्यास लग रही है तो ये उस बेसिस पे देख पाते हैं लेकिन अगर कल्पनाशीलता में कुछ ऐसे कंफ्लिक्ट होता है तो उसमें भी हम उसको अर्थ देते हैं गर, उसको नाम दे देते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है तो उस बेसिस पे फिर वो रिएक्ट करते हैं और शरीर के अंदर की जो भी घटना होती है आ, उस पर भी जैसे आ, जैसे ये भूख लगने वाली घटना तो इसको भी मैंने देखा कि आ, पहले मतलब मॉर्निंग सेशंस में काफी लोग ऐसे शेयर करते कि हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे बॉडी में एक किस कहीं पे पेन था तो वो थोड़े टाइम बाद वो चला गया तो फिर तब उस टाइम पे मेरा आ, मैंने ये सोचा कि ये पेन जा कैसे सकता है देखने से तो ये यूएच वी थ्री के बाद फिर मैंने सोचा कि सोचना क्यों है देख ही लेती हूँ तो फिर आ, मैंने ये देखा कि जैसे ऑब्जर्व किया मैंने कि जैसे भूख लगने की जो सेंसेशन होती है उसको ऑब्जर्व किया तो अगर वो जो शरीर में जो सेंसेशन हो रही है इंटरनली वो टेम्प्ररी मतलब टाइम बाउंडेड है तो अगर मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो वो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप रिजोल्व हो जाती है और मैं भी उसको कल्पनाशीलता में एक मीनिंग दे के रिजोल्व कर लेती हूँ कि अच्छा ये इस सेंसेशन का ये मीनिंग है और उसको मैं इस तरीके से रिजोल्व कर लूँगी उसको मैंने फिजियोकेमिकल जो भी एक्टिविटी है उसको मैं नाम दे देती हूँ तो वो टेम्प्रेरी है नेचर में टाइम बाउंडेड है तो इसलिए जो है शरीर के अंदर की घटनाओं के बेसिस पे मैंने देखा कि वो शरीर में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो टेम्पररी हैं और इसलिए वो हमें लगता है कि वो गायब हो जाती हैं बट वो इसलिए हो, जा, हो जाती हैं क्योंकि वो एक अपने टाइम के बेसिस पे जो भी सेंसेशन होनी होती है वो उस टाइम पीरियड तक ही होती लास्ट में कोई भी फीलिंग जो है वो फीलिंग और... जो भी हमारी कल इसके सबके बेस में जो भी हमारी कल्पनाशीलता में चलता है उसके बेसिस पे हमारे शरीर में भी सेंसेशंस क्रिएट होती हैं जैसे आ, मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमें कहीं पे टाइम एंग्जाइटी हो रही है कि हमने कहीं पे पहुंचना है बट हम लेट हो रहे हैं, तो उसके आ, उसमें भी आ, एक अनइजी जो कल्पनाशीलता में एक अनइजीनेस होती है उसका प्रभाव भी शरीर पे पड़ता है ये चीज़ मैंने उस उस कंटेक्स्ट में देखी और जो फोर्थ पॉइंट है सुख स्वभाव है या प्रभाव इस बिंदु पर इतनी स्पष्टता बनी है कि सुख जो है वो हमने ग्रॉस लेवल पे वर्ड को यूज कर रहे हैं बेस में उसके ये है कि हमारे जो स्वयं में जो भाव चल रहे हैं कल्पनाशीलता में वो प्रभावित हैं या हारमनी में है एक्साइटमेंट में है या कॉन्ट्रडिक्शन में है उस पर डिपेंड कर उस पर हमारी जो एक्सप्रेशन है जो हमारा रिएक्शन है रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है तो इसको अभी मैं देख रही हूँ ये एक्सरसाइज वन और टू के थ्रू कि वो कौन से जो भी कल्पनाशीलता में जो भाव चल रहे हैं वो मेरे स्वयं के नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे हैं या नहीं है और इसमें भी मैंने ये नोट किया है कि जिस क्षण में हम जिस एक्टिविटी पे जी रहे होते हैं जैसे कि अगर हम आस्वादन की एक्टिविटी पे जी रहे हैं तो जो हमारी एक्साइटमेंट है या कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी उसी लेवल पर ही एक्सप्रेशन में आती है अगर मैं वैसे मोस्टली हम मैंने थॉट के लेवल पर जीते हैं तो जो हमारी एक्साइटमेंट है और कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी थॉट के लेवल पे चलती है वो बाहर उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं होती तो ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है कि मैं उस प्रति उस उस क्षण में मैं किस लेवल पे जीना मेरा हो रहा है और उसमें भी मैंने ये देखा कि जो थॉट लेवल पे है वो थोड़ा सूक्ष्म है एज कम्पेयर टू आस्वादन के लेवल पे जो हम एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि थॉट लेवल पे हम अपनी कल्पनाशीलता में मैंने देखा कि जिसको हम हारमनी समझ लेते हैं वो एक्चुअल में हारमनी होती नहीं है रियलिटी में क्योंकि अगर वो हारमनी होती तो वो इतना फ्लक्चुएट ना करती बट वो एक्चुअल में मैंने ऑब्जर्व किया कि वो एक काइंड ऑफ कंट्रोल्ड एन्वायरमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं कल्पनाशीलता में कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है तो इट मीन्स कि वो बैलेंस्ड है वो हारमनी है वो हम आराम में लेकिन अगर कोई उसमें से एक भी पॉइंट डेविएट हो जाता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस uh, से तो तुरंत हमारे भाव में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है और थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आता है ये मैंने ऑब्जर्व किया थॉट के लेवल पे तो ये स्पष्टता बनी कि हम जिस क्षण में जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल पे ही कॉन्ट्राडिक्शन और एक्साइटमेंट में हम ऑसिलेट करते रहते हैं और उस पे डिपेंड और उसपे शुद्ध दृष्टा में है या नहीं वो उसके लिए अभ्यास करने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है और फिफ्थ जो है पॉइंट सुख स्वभाव के रूप में दिखता है ये तो जैसे कल्पनाशीलता से स्पष्ट हो ही जाता है बट उसको अभी क्वांटिटेटिवली कितना है वो कैलकुलेट नहीं किया अभी तक क्योंकि अभी आफ्टर थॉट्स में इन प्रोसेस में क्या चल रहा है उसमें ही अभी अभ्यास करने का प्रयास कर रही हूँ तो और मैंने ये भी इसके लिए मैंने अपना ये जो राइटअप है ये भी स्टार्ट किया है क्योंकि पहले मुझे राइटिंग का भी इतना पर्पस क्लियर नहीं होता था कि मुझे लगता था कि आ, हमें सब कुछ याद तो रहता ही है कि हमने क्या किया तो लिखने की क्या जरूरत है लेकिन जब से मैंने ये राइट राइटिंग स्टार्ट की है अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है तो उससे ये स्पष्टता बनी कि मैंने ये देखा कि ध्यान की स्पीड जो है वो बहुत तेज है तो उसमें जो कल्पनाशीलता में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो इतनी जल्दी चेंज हो जाता है कि वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि उस टाइम पे मेरी कल्पनाशीलता में जो चल रहा था उसके पीछे क्या भाव था या क्या संस्कार था तो उसके लिए लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो फिर मैं उसको और डिटेल में देखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि अगर हम नहीं लिखते हैं तो उस टाइम पे जो भी भाव होते हैं वो भाव तो हमारे अंदर इस्टेब्लिश हो जाते हैं पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या संस्कार है वो हम देख नहीं पाते तो वो जो भाव की जो कलेक्शन हो जाती है वो कभी भी पॉपअप हो सकती है किसी भी इवेंट में बेस्ड ऑन दैट संस्कार तो उसके लिए लिखने में बहुत हेल्प होती है एनालाइज करने में कमिटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्वयं में समझने के लिए तो मॉर्निंग सेशन मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा आ, इस पूरे प्रोसेस में और जब भी मुझे टाइम मिलता है सुबह या रात को तो जैसे पंद्रह मिनट बीस मिनट या आधा घंटा जो भी मेरे को जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ उसके उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख पाती हूँ और दूसरे अगर दूसरे जिम्मेदारियों की बात करें तो उसमें टाइम सेंसिटिव जो टास्क है वो अभी मैं बिकॉज हमारी जो मीट नेचर ऑफ वर्क है उसमें मीटिंग्स या कभी भी ऐसे कुछ भी किसी टाइम पे हो सकता है तो टाइम सेंसिटिव टास्क में अभी नहीं नहीं कर सकती तो इसलिए मैंने डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में जो स्किल के बेसिस पे है उसमें अप, उसमें अपनी भागीदारी कर रही हूँ अभी के लिए जी धन्यवाद दीदी जी नमस्ते बनीषा जी हाँ जी नमस्ते दीदी बहुत ही अच्छा लगा आपकी शेयरिंग आपने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत डिटेल में एकदम पॉइंट वाइज अच्छे से जो दिख रहा है उतना बताया जहाँ कंफ्यूजन है उसको भी बताया यही करने का काम है ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड है कि हम शेयरिंग में सब जो दिख रहा है बस उतना ही बोलें और कोशिश करें कि हम बोलें कि हमें सब दिख रहा है ऐसा नहीं है जो भी जैसा भी दिख रहा है उसको हम बताएं जहाँ कंफ्यूजन है उसको भी बताएं इससे हमारी अपनी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है ये मैं सबके लिए कहना चाह रही थी आपका बहुत सारा पुराना जो आप यात्रा करे हैं और जो आप सीकिंग कर रहे थे उसके कारण भी आपका काफी संस्कार बना होगा जिसके जिससे आपको आई एम श्योर लाभ हुआ होगा इधर इस ये एक्सरसाइजेस करने में दो तीन बातें मेरे ध्यान में आ रही थी वो मैं बता देती हूँ सिर्फ आपके लिए नहीं सभी के लिए कि किसी ने कुछ कहा हमने मान लिया और एक होता है किसी ने कुछ कहा हमने उसको लॉजिकली रीजन आउट किया अपने अंदर और फिर मान लिया और तीसरा होता है देखना जो कि शुद्ध दृष्टा से हो रहा है तो जब हम शुद्ध दृष्टा से देख रहे हैं तब हमारा भाव बिगड़ता नहीं है मतलब आ, हम कहना चाहिए कि हम सुखी ही रहते हैं हम दुखी नहीं होते जैसे हमने शुद्ध दृष्टा से देखा कि हमारा भाव बिगड़ा भी एक क्षण के लिए लेकिन जब हम देख रहे हैं शुद्ध दृष्टा से तो हम उससे दुखी नहीं होते जब हम नहीं देख रहे होते हैं तो हम जब भाव बिगड़ता है तो उससे एकदम दुखी हो जाते हैं तो ये एक तरीका है जिससे कि हम देख पाए कि हम लॉजिकली रीजन आउट करके जस्टिफाई कर रहे हैं या शुद्ध दृष्टा में है क्योंकि आपने वो बात उठाई थी तो मैं बोलना चाह रही थी इसके बारे में थोड़ा सा और एक और बात जो मैं कहना चाह रही थी कि जैसे स्टेप फाइव एंड सिक्स का आपने बताया कि जब आप नींद में होते हैं या ना सोने जाते हैं तब आपने ऑब्जर्व किया मैं कहूँगी शुरुआत में आप जब अवेक अलर्ट हैं तब आप इस स्टेप्स पर ध्यान दें फिर बाद में आगे जाके सपना और वो भी उसको भी देख पाएंगे बट शुरुआत में एटलीस्ट दिन भर में जब आप अवे कर अलर्ट होते हैं बहुत से इंस्टेंसेस होते हैं उस पर थोड़ा आप फोकस करें तो मुझे लगता है और उपलब्धि होगी जब भी, भी हम इवेल्युएट करते हैं तो थॉट्स को इवेल्युएट करने से कठिनाई आएगी मिनिमम हम भाव तक जाके देखेंगे तो और जर्नी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि भाव जहाँ भाव पे पहुँचे तब दो ही ऑप्शंस हैं या तो नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है तो एकदम क्लियर हो जाता है तो अभी जल्दी है आई थिंक आपने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है 22 में बट बहुत ही डिटेल में आपने अपनी बात को भी रखा और आप ऑब्जर्व भी ट्राई कर रहे हैं ऑब्जर्व करना तो जैसा आपने कहा लिखने से बहुत और क्लैरिटी बन बनती जाती है तो आपको अब तक के लिए जितना हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामना जी धन्यवाद दीदी